आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हम हैं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 75 में और ये सोसाइटी वाले हैं, पार्क एलीट सोसाइटी है और ये सेक्टर 75 में है। ये लोग परेशान हैं, इनकी परेशानी जानेंगे, पूछेंगे क्या परेशानी है, इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं क्यों इकट्ठे हुए हैं, हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, धूप है उसके बावजूद भी ये धूप में खड़े हुए हैं। आइए पता करते हैं इनकी परेशानी क्या है। और ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट है और इसके पास ये लोग खड़े हुए हैं। सर नमस्कार, कौन बताएगा, कौन बताएगा अपनी परेशानी? मैं बता रहा हूं। आइए सर, क्या नाम है सर आपका? अनुपम तिवारी। हाँ, क्या परेशानी ये बताइए। परेशानी ये जी कि यहाँ पे सोसाइटी में पहले ये यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई थी, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो हमने पता चला, तो हमें भी पता चला कि ये स्कूल की कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो फिर उसके बाद इन्होंने बिना पूछे सोसाइटी से ये फेंसिंग तोड़ दी है और यहाँ पे आए दिन चोरियाँ होती जा रही है। फेंसिंग दिखा देते हैं भैया थोड़ा हटना। ये फेंसिंग पहले यहाँ लगी हुई थी, ये देखिए ये फेंसिंग लगी हुई थी और इसको तोड़ दिया और यहाँ से इधर जाने का रास्ता बना दिया और ये कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। तो फिर से आ जाइए सर, इधर आ जाइए। एक मिनट, यहाँ का एड्रेस बताइए पहले। यहाँ का एड्रेस है जी पी ब्लॉक सेक्टर 75 BPTP पार्क लाइट फ्लोर फरीदाबाद। अच्छा, सेक्टर 75 में है ये। BPTP की सोसाइटी है, BPTP की सोसाइटी है ये। तो आपसे पूछा नहीं भाई ये तोड़ने से पहले? नहीं, इन्होंने हमने इनको काफी रोका था लेकिन ये थोड़ा सा दबंगई दिखाते हैं, ये धमकाते हैं कि आपको जहाँ जाना है, जहाँ जिससे कंप्लेन करनी है कर लो, हम इसको तोड़ के रहेंगे। और उन्होंने तोड़ भी दिया और बहुत बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियां आती हैं सीमेंट ट्रक से और ईंटें पत्थर सब लेके, और वो कभी कभी इसको बाहर भी उतरवा देते हैं रोड पे, फिर हम लोग बोलते हैं तो ये अंदर करते हैं उसको। यहाँ से भी तो रास्ता दिखाई दे रहा है आने का, दिखाइए भाई थोड़ा, इधर आ जाओ थोड़ा। ये रास्ता इधर से भी है, दिखाइए। टेम्प्रोरी रोड है, मतलब रास्ता तो है, कोई भी गाड़ी यहाँ से आ सकती है लेकिन यहाँ से ना आकर ये सोसाइटी के रोड से आते हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है, धूल उड़ती होगी और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी यहाँ पर उतार दिया। हाँ, क्या चोरी हुआ? दो तीन घरों में चोरी हुई है अभी जल्दी हाल ही में। एक हमारी भाभी जी है, इनके यहाँ चोरी हुई है, ठीक है, और एक और हुई है 8 नंबर गली में, कई जगह चोरी हो चुकी है। आप लोगों को क्या हो रही है? एक तो ये है कि चोर कहीं से भी आते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, वो भी नहीं। दूसरी ये है कि इन्होंने कवर नहीं कर रखा, मिट्टी है लोगों के घर में जा रही है, हाँ, तो लोगों को वो परेशानी हो रही है सबसे ज्यादा। दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ आती है तो कई बार शाम को ऐसा होता है बच्चे खेल रहे हैं हर टाइम, तो पेरेंट्स ध्यान नहीं दे सकते बच्चों पे, तो थोड़ी इधर उधर होएंगे, गाड़ियाँ आ रही है तो वो बच्चों को भी इससे नुकसान है, तो वो सबसे बड़ी मेन दिक्कत ये भी हो रही है। आप इनको ये भी दिखाइए, इतने बड़े बड़े सरिये और ये सब कंस्ट्रक्शन ऐसे ही ओपन है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, हादसा हो जाए, हाँ, कोई गिर जाएगा, सही बात है। वो दिखाइए आगे, थोड़ा सा ये कवर करके रखना चाहिए था लेकिन, हाँ बिल्कुल, यहाँ से कोई गिर सकता है, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये भी बता रहे हैं कोई ना कोई लापरवाही इसमें भी है। और ये हाँ, पीछे दीवारों तक है ना, दीवारों पहली पहली मंजिल से ऊपर तक इन्होंने मिट्टी जमा दी है। अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी चोर कूद सकता है आराम से उसका एक रास्ता सा ही बन गया चोरों के हिसाब से, को भी खतरा है, वो वहाँ भी खतरा, सारा ही टोटल खतरा है। और अभी जो 4 दिन पहले अभी आपको मैडम ने बताया था चोरी हुई है, उस चोरी में जो हमने फुटेज कवरेज में देखा है, उस चोर को हमने यहाँ तक आते हुए देखा है थोड़ा सा पीछे ही, और यहाँ पर आकर वो गायब हो गया है, तो उसमें भी इनकी सपोर्टिंग की जा सकती हो सकती है। मतलब ये कवर कर दें तो आपको दिक्कत नहीं है फिर? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, कुछ तो सेफ्टी मिलेगी, मन को तो संतुष्टि होगी। यहाँ जो बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, बच्चों की वजह से हम घबराए रहते हैं, कह रही है वो चीज तो हमें सेफ्टी। अगर ये बंद हो जाएगा, हमारे सोसाइटी का गेट है ये जो, वो भी बंद हो जाएगा तो कम से कम कुछ और सेफ्टी तो हो जाएगी। बंद कर दें, ये बंद तो कर दें, बच्चे खेलते हैं जो वो भी तो सेफ हो जाएंगे, जो उनका इधर से रास्ता इस रास्ते से आए जाए काम करें अपना काम। तो देख रहे हैं चोरियां भी हो रही हैं और दिक्कत भी हो रही है, इसीलिए इनकी मांग है ये बंद किया जाए, जो तार फेंस ये फेंसिंग थी ये बंद किया जाए और इधर से रास्ता है इधर से आए जाएं और इसको थोड़ा सा कवर कर लें और थोड़ा सा पर्दा भी चारों तरफ लगा सकते हैं जी भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, धूल मिट्टी नहीं जाए। अभी हमने जब उनके ऑनर से बात करी है, जिससे भी हमें जो यहाँ पे बैठे हुए ठेकेदार जो भी, उन्होंने हमारी बात कराई, अब हमने उनको फेंसिंग के लिए बोला या हमने उनको बोला यहाँ आके बात करो, वो एक तो कह रहा मैं कल आऊंगा, आप कल ही आना, ये क्या धमकी हो रही है, और दूसरा कह रहा मैं पुलिस को बुला लूंगा, पुलिस की हमें धमकी क्या दे रहा है यहाँ पे। तो जब तोड़े तो आप भी पुलिस को बुला लो,
कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन अब तो तोड़ चुके ना वो, अब तो तोड़ चुके हैं। अब तो उनके इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? हम एक दो चार आदमी छह आदमी रोक ही तो सकते हैं, लेकिन वो ट्रक वाले कहाँ सुनते हैं? अपनी जान का भी तो हमें खतरा होता है। सही बात। तो अभी आपकी क्या मांग है ओवरऑल भैया, क्या मांग है? हमारी मांग कुछ नहीं है, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो कंस्ट्रक्शन अगर ये करना चाहते हैं अपने सिस्टम से करें, हमारे यहाँ पे रहने वाले वासिंदों को परेशानी ना हो, पॉल्यूशन ना फैलाए और यहाँ पे हैवी ट्रैफिक ना आए। ये फेंसिंग हमारी वापस जैसी थी वैसी लगा दी जाए। जो जबरदस्ती इन्होंने इधर मिट्टी ऊपर बढ़ा के रास्ता बना दिया चोरों के लिए, उसको यहाँ से साफ कराया जाए। इधर सारी फेंसिंग हमारी खराब कर दिया, जंग लग गया है, सारी मिट्टी भरवा दी है। ये हमारा थोड़ा सा, हमें कम से कम इतना तो कर दे कि हम दो सांस चैन से ले सकें। क्या नाम सर? त्रिलोक सिंगल। त्रिलोक सिंगल, देख रही बता रहे हैं कि हमें परेशान ना किया जाए, कंस्ट्रक्शन करें कोई दिक्कत नहीं है, नियम से करें, हमारी फेंसिंग करा दें और यहाँ पर रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कभी गिरा देते हैं, इनका कहना है, इसकी वजह से भी इनको दिक्कत हो रही है। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं। इनका कहना है जो मिट्टी रख दी गई है चारों तरफ उसकी वजह से चोर आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। गाड़ी से निकली है, उस सबको यहीं के उसको उठवाते हैं या कुछ भी करते हैं। हाँ बात भी सही है आपकी। अब ये देखो, ये आप लोगों ने पहले नहीं रोका ना उनको, पहले रोक देते। पहले रोकने का ये है कि यहाँ पे अंदर तो आने नहीं देते ना ये लोग, इतने सब लोग हैं तो आप। अच्छा अच्छा, यहाँ तक आप आ रहे हैं। ये देखिए ये घर की बाउंड्री है, ये घर पे रेजिडेंट रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, जा सकता है देखिए जरा। बात सही है। क्या सेफ्टी रह जाती है हमारी यहाँ पर? अच्छा, यहाँ से कोई भी अंदर चला जाएगा आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि यहाँ पे कम से कम 8 फीट 9 फीट नीचे था ये, जिससे कि आदमी कोई चढ़ के दीवार बड़ी रही होगी, ऊंची रही होगी, कोई कूद नहीं सकता था, लेकिन अभी तो आसानी से अंदर जा सकते हैं। जा सकता, सारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं यहाँ पर, सारे मकान आपको दिख रहे हैं। और क्या बता रहे हो सर आप? हाँ चलो ठीक है, जो भी होगा देखते हैं इनकी मांग पर बिल्डर क्या कार्रवाई करता है, क्या नियम कायदा अपनाता है, क्या इनको परेशान करना बंद किया जाता है, क्या फेंसिंग फिर से की जाती है, अगर नहीं किया गया फिर से चक्कर लगाएंगे, फिर से इनकी बात सुनेंगे और इनकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।